गाइज वेलकम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। सो इन टुडेज वीडियो हम आए हैं लाजपत नगर मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। लाइक ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम लाजपत नगर की मार्केट आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देखे हैं कि लाइक अगर आपको इंडियन वेयर पसंद है, ज्वेलरी वगैरह के लिए बहुत अच्छी मार्केट है। सो अभी जस्ट हम पहुँचे हैं लाजपत नगर के मार्केट के पास ही है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है अभी पार्किंग कहाँ करनी है, कैसे इसका है एंट्री वगैरह, तो अभी हम ढूंढ ही रहे हैं। तो सामने एक मल्टी लेवल पार्किंग कुछ दिख तो रही है, तो मे बी यहाँ पे हम पार्क करके जा सकते हैं। वो लिटरली पता नहीं दिल्ली में एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी कैसे हो गई है। लाइक कल तक तो मौसम ठीक था, आज इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और हम दोनों ने ब्लैक पहना हुआ है। लगे लगे स्वेटशर्ट पहन के आया, इसकी तो हालत खराब हो रही है। सो या अभी जैसे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद जस्ट निकल ही रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन द वीडियो। सो गाइस हम पहले थोड़ा आगे आए थे, तो यहाँ पे कुछ ऐसी मल्टी लेवल पार्किंग है, तो मुझे भी ऐसी कोई आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे लेकर 20 रुपीज पर आगे हिसाब से है। सो हम सोच रहे हैं कि यहीं पे अपनी कार पार्क कर दी, क्योंकि अंदर मार्केट के अंदर तो कोई पार्किंग है नहीं, हमने काफ़ी सारे लोगों से पूछा था। तो हम वहीं अपनी कार पार्क कर रहे हैं और आगे थोड़ा वॉक करके मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा। आपको दिखाते हैं कि कैसी पार्किंग है यहाँ पे। दिस इज़ द पार्किंग, यहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हो, ये अपने आप ऊपर चली जाएगी। लेकिन ऐसी पार्किंग सरोजनी नगर में भी है। तो हमारी कार पार्किंग इज़ डन, तो हम आगे वॉक करके जा रहे हैं। मैंने पार्किंग वाले भैया से ही पूछ रहा था कि मार्केट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो ना थोड़ा वॉक करके चले जाओ, आपको मार्केट अपने आप ही दिख जाएगी। तो वी आर गोइंग उसी डायरेक्शन में। हमने मार्केट में एंटर किया तो हमें स्टार्टिंग में एक स्पोर्ट हट दिख रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रश है, तो हम जाकर देखते हैं कि अंदर मिल क्या रहा है। लेट्स सी। चलो मैंने आपको लास्ट क्लिप दिखाई शूज़ की शॉप की, तो उस पर ना लाइक फर्स्ट कॉपी वाला थी शूज़ की, प्यूमा एडिडास वगैरह सबकी थी, बट ना जो उसका सोल उसने चेक किया था, इसने चेक किया था, हाँ तो सोल बहुत हार्ड था और उनकी लाइक कॉस्टिंग भी ऐसी थी 1500-1000 रुपीज़, तो इतने में तो ऑनलाइन नहीं मिल जाता है, तो हमें कोई शूज़ ना कुछ लाइक वाव नहीं लगा, तो हमने ज़्यादा चेकआउट नहीं किया। तो हम वहाँ से निकल के बस आगे आए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पटरियाँ होती हैं ना वो स्टार्ट हो गई हैं। गाइस फाइनली ना मैंने ये वाला जो मतलब फेक फ्लावर है, प्लांट है, ये वाला लिया है। ये लाइक 1100 का कोट कर रहे थे, बट मैंने 900 का बोला तो भैया मान गए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक यूट्यूब पे बैकग्राउंड के लिए भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी वाइब आती है इनसे। हमने वो जो फेक प्लांट था वो पैक करके रखवा दिया है, तो लाइक मैं काफ़ी टाइम से ऐसा कोई पीस देख रही थी। हमने होम सेंटर में भी देखा था पर उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लाइक 3000 का था, यहाँ पर बिल्कुल हाफ से हाफ रेट में मिल गया, तो लाइक मैंने यही लिया। तो अभी हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं देखने के लिए। ठीक है ले ले, इतना सोच मत, नहीं बाद में मिले ना मिले, मैंने बोला ठीक है बाद में घर जाके रोती रहती है, तू मेरे पैसे खर्च करवाता है, ठीक है कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा था, लग रहा है हम फाइनली ना मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं, कुछ ऐसी है और लकीली संडे आज तक क्राउड नहीं है। तो गाइस हमें यहाँ पे एक टी शर्ट्स वाला सेक्शन मिला है, 250 ईच है ये सारी टी शर्ट्स, तो वो चेक कर रहा है कि इसको कौन सी अच्छी लग रही है। कौन टी शर्ट्स के कलर बिल्कुल पसंद नहीं आए, कह रहा कहीं और चेक करते हैं। ये कपड़े लेने में बहुत चूजी है, लाइक देख सब लेगा, जब तक उसको पसंद नहीं आएगा तब तक लेगा नहीं। तो ऐसे थोड़ी कुछ ले लूंगा, लेट्स सी। हमने एक स्टॉप ले लिया सोडा पीने के लिए, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और गर्मी में तो सोडा लाइक सेवियर है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, बहुत सही है, बहुत अच्छा है, पर ठंडा ज़्यादा है, मेरा गला खराब होता है। अच्छा है ना, काफ़ी रिफ्रेशिंग है ये कह रहे हैं एक और बनवा देता हूँ। हमने छोले कुलचे लिए हैं, दिस प्लेट कॉस्ट 60 रुपीज़ ना,
60 की है ना। लाइक यहाँ के जो प्राइस है ना स्ट्रीट फूड के थोड़े एक्सपेंसिव है जहाँ हमारे यहाँ से, तो और आप मतलब देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ है इन भैया पे, इतनी ज़्यादा। यहाँ पे छोले कुलचे वाले भैया हैं, सामने छोले भटूरे वाले भी, तो हमने छोले कुलचे ऑप्ट किया है। इसने 3 कुलचे दिए हैं और इन छोले 2 हैं, 3 है, 3 है, हाँ। और अभी खा के देखते हैं कि इसके वर्थ है या नहीं, जो इतना रश है वो मतलब बता नहीं, टेस्ट देखते कैसे है, स्ट्रगल है। एक मेरी लाइकिंग से तो बहुत स्पाइसी है ये, अभी खा के बताएगा कि इसको कैसे लगे वाले। मसाले ज़्यादा हैं, थोड़ा गरम मसाला ज़्यादा है, ठीक लगा हुआ नहीं। तो गाइस हम फटाफट अपने खाते क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, उसके बाद मैं अपना जो एक्सप्लोरिंग लाजपत नगर है वो कंटिन्यू करती हूँ। तो यार रुके राम लड्डू फूड कॉर्नर्स, यहाँ पे हम सोचे यहाँ के राम लड्डू ट्राई करते हैं, वो भी लेने गया है। हमने राम लड्डू की प्लेट ले ली है, कितने की थी? 60 की। 60 में मैं कैसे 5 या 6 पीसेस हैं, तो ये ट्राई कर रहे हैं अब हम। ये बहुत खराब है, कभी ना पड़ा हो, बहुत चटपटा सा है। हमने ना लाइक ऑलमोस्ट मार्केट घूम लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ पर है, बट हम देखते रहे और हमें कह रहा है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो हमने ये वेज बॉक्स लिया, वेज कॉस्ट 200 रुपीज़। सो या हम खा रहे हैं हेल्दी फूड अमरूद, ऑल दो हमारा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था बट बड़ा रिफ्रेशिंग होगा, तो हमने अभी ये लिया है। 50 रुपीज़ की प्लेट थी। गाइज हम फाइनली अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल ही रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए थे हमें मार्केट एक्सप्लोर करते करते। एंड लाइक दिस मार्केट इज़ वेरी गुड फॉर द लाइक वेडिंग की कलेक्शन, यहाँ पे बहुत अच्छी है, अगर आपको ज्वेलरी लेनी हो या फिर आउटफिट्स वगैरह, लाइक ज्वेलरी के तो बहुत ज़्यादा ही कलेक्शन है यहाँ पे। तो मुझे ओवरऑल अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस इस लाजपत नगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब मैं नेक्स्ट टाइम भी कभी आऊँगी यहाँ पे ठीक से एक्सप्लोर करने। लाइक मैंने अब देख लिया कि कौन सी शॉप कौन सी कैटेगरी की शॉप कहाँ पर है। अभी तो हमें लाइक हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, मेरे पैर में बहुत दर्द सा होने लग गया था, तो हम और ज़्यादा घूम नहीं पाए। ये मार्केट लाइक सरोजनी नगर की तरह ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, पर उसकी इतनी सस्ती नहीं है। लाइक सरोजनी नगर के प्राइस और लाजपत नगर के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। लाइक जो आपको ज्वेलरी के पीसेस वहाँ पे 50 रुपीज़ के मिलते हैं, यहाँ पे आपको 100-150 रुपीज़ के मिलेंगे। सो या प्राइस को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, यहाँ की लाइक एथनिक कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ी गर्मी लगी बट अच्छा था। हाँ लाइक बॉयज़ के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरी गर्ल्स की मार्केट है, उसको उतना नॉलेज था नहीं, तो बस देख रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है।
सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। इन केस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।